हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लितेश गेमिंग में। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कभी बात नहीं करने वाले हैं कि बीजीएमआई का बनवेन होगा। देखिए, वो तो फ्यूचर में बनवेन होने ही वाला कंफर्म, शायद आपका मई के अंदर गेम आ भी जाए। लेकिन दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि वो तीन ऐसे क्या काम करे जिसे आगे बीजीएमआई आगे नेक्स्ट आगे भविष्य के अंदर या फ्यूचर के अंदर बैन होने से बच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं आगे वीडियो में। मैं भाई रीजन नंबर वन दूंगा पबजी से दूरी। अब क्राफ्टन को इतना कुछ करना पड़ेगा, जैसे पहले आपको पबजी और बीजीएमआई के अंदर दोनों के अंदर एक जैसे रॉयल पास और एक जैसे क्रेट आते थे, तो अब क्राफ्टन वालों को काफ़ी ज़्यादा लगभग एक साल के लगभग टाइम मिल गया होगा। उन्होंने इतनी तो अच्छी खासी स्ट्रेटजी बना ली होगी कि वो अब पबजी और बीजीएमआई को दोनों को कैसे अलग रखें। अगर उनके भाई अगर पबजी यानी बीजीएमआई को आपको अभी इंडिया के अंदर लंबे टाइम के लिए रन कराना है, तो उनको पबजी से बीजीएमआई को दोनों को दूरियाँ बनानी पड़ेगी। जैसे पबजी और उसका गेम ऑफ पीस की बीच की दूरी है, जिसमें उनका दोनों का लिंक कहीं भी लिंक नहीं है। उनमें अपडेट आता होता तो भाई तीन चार अपडेट के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होकर उन दोनों के गेम के अंदर अपडेट आता है। लेकिन आपके बीजीएमआई और पबजी के अंदर भाई सेम टू सेम इप टू जैसे चलता है उसी प्रकार से रॉयल पास हुआ सब कुछ सीजन हुआ सब कुछ वैसा का वैसा ही आता है। लेकिन अगर आपको अब लंबे टाइम के लिए चलाना है तो भाई दोनों के अंदर से आपको दूरियाँ बनानी ही पड़ेगी। और दूसरा कारण है भाई डेटा सिक्योरिटी। आपको बताओ तो सबसे बड़ा बीजीएमआई बैन होने का कारण था डेटा सिक्योरिटी। आपको बताओ तो बीजीएमआई तथा पबजी का दोनों का डेटा कहीं ना कहीं एक जगह लिंक करे थे। आपको बताओ तो कभी ना कभी आपको बीजीएमआई के साथ साथ पबजी लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाता था। तो इस कारण से क्या आपको गवर्नमेंट को लगा दोनों का डेटा आज भी एक जगह स्टोर हो रहे हैं तथा दोनों को एक जगह संचालित हो रहा है। अगर उन्होंने अभी तक भी अगर डेटा सिक्योरिटी को लेकर अच्छा कोई सर्वर नहीं बनाया और दोनों एक जगह इकट्ठे नहीं होकर अलग अलग इकट्ठे नहीं हो रहे, अगर उन्होंने बीजीएमआई का डेटा सिक्योरिटी जो इंडिया के अंदर या अच्छी कोई दूसरी कंट्री के अंदर नहीं बनाया, हांगकॉन्ग या चाइना के अंदर अभी भी हुआ, तो भाई हो सकता है आपका 100% नहीं तो 99% भाई एक बार फिर बीजीएमआई बैन होने का बहुत बड़ा रीजन रहेगा गवर्नमेंट के पास। अगर इस बार भाई बैन हो गया तो मेरे को लगता है भाई नया तो क्राफ्टन अच्छी तरीके से भाई वर्क करेगी फिर से अनबैन कराने के लिए, वो नए भाई शायद बैन अनबैन होगा। रीजन नंबर थ्री रहेगा आपका खेल टाइम। आपको पता हो तो बहुत ज़्यादा बार ये ऑब्जेक्शन उठता रहता है कि बच्चे बीजीएमआई यानी कि बैटल ग्राउंड मोबिलिटी को हद से ज़्यादा खेल रहे हैं, तो इनको अब बच्चों तथा बड़ों के लिए एक ऐसा बहुत बड़ा नियम लेके आना पड़ेगा जिसके अंदर वो जाकर भी दो आईडी हो तीन आईडी हो किसी भी आईडी हो उनको एक ऐसे डिवाइस के अंदर सिस्टम सेट करना पड़ेगा कि बच्चों नियमित से नियम टाइम के लिए गेम खेल पाए बच्चे तथा बड़े। हाँ, थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा कम हो बड़ों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन उनको एक ऐसी सिक्योरिटी लानी पड़ेगी जिसको जाकर भी गेम को लंबे टाइम के लिए नहीं खेल पाए, चाहे दो आईडी हो चाहे तीन आईडी हो उनको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अगर वो फिर भी ऐसा नहीं कर पाते हैं ऐसे झूठा मूठा वो कोई लेके आ जाते हैं आप ओटीपी दो ओटीपी भाई आपको बताया आप आईडी चेंज करके खेले तो आपको बताया आपका नियम उस आईडी के अंदर आपका 3 घंटे होने वाले हो, तो आप दूसरी आईडी लॉग इन करके खेलोगे 3 घंटे और खेलोगे 6 घंटे खेलोगे। लेकिन उनको ऐसा नहीं है, उनको कुछ ना कुछ इसके लिए स्ट्रॉन्ग नियम लाना पड़ेगा। और रीजन नंबर फोर दूंगा मैं वॉयलेशन। वो पता है बीजीएमआई के अंदर वॉयलेशन के कारण बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि इसके अंदर वॉयलेशन है खून खराबा वाले, जैसे खून खराबे से मतलब यानी कि इसके अंदर फाइटिंग होती रहती है। लेकिन ये बीजीएमआई वाले चाकर भी वॉयलेशन तो इस गेम के अंदर से कम नहीं कर सकते। वॉयलेशन कम हो गया तो इसके अंदर खेलने का वो स्वाद ही नहीं है, लेकिन इतना बोलने में ज़्यादा वॉयलेशन ये तो जैसे कार्टून जैसे गेम चलता है इस प्रकार से चलता है। लेकिन बीजीएमआई वालों को जैसे क्राफ्टन कंपनी उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि इनको वॉयलेशन शब्द से थोड़ा बहुत पीछा छुड़वा ले, जैसे गेम ऑफ पीस है उनमें उन वगैरह में जैसे गेम वॉयलेशन वगैरह का नहीं है, लेकिन उनका तो नियम ही कुछ अलग चलता है। रीजन नंबर फाइव दूंगा मैं अपडेट। आपको पता है बीजीएमआई और पबजी के अंदर एक टू सेम अपडेट आता है, एक कुछ भी फर्क नहीं होता। लेकिन अगर वैसा ही अगर पबजी वालों ने और बीजीएमआई ने जैसे क्राफ्टन ने अगर वैसा ही किया कि पहले की तरह फिर भी सेम टू सेम पबजी और बीजीएमआई दोनों एक तरह चलेंगे, इनका सर्वर अलग होगा, तो भाई हो सकता है फ्यूचर के अंदर फिर गवर्नमेंट का दिमाग घूम जाए और फिर इसको बैन कर दे। जैसे एक बार अनबैन होगा तो आप सोच रहे हो ऐसा क्यों बोल रहे बैन कर दे, लेकिन एक बार तो बीजीएमआई जरूर अनबैन होने ही वाला है, ऐसा नहीं है कि परमानेंट बैन रहने वाला है, अनबैन होने वाला। जहाँ तक मैं यूट्यूब पर वीडियो दूसरी मेरे को खबर मिलती है उस अनुसार से गेम तो आपको अप्रैल के अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन अप्रैल के अंदर नहीं आ रहा, तो मई के अंदर आपको जरूर गेम देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मई के अंदर भी नहीं है तो जून से जुलाई तो ये लेने वाला ही नहीं है गेम तो आपको 100% आने वाला है। लेकिन अभी भी बीजीएमआई वालों ने अगर क्राफ्टन ने अगर सेम टू सेम पबजी की तरह अपडेट दिया तो मैं भाई क्राफ्टन वालों को सबसे बड़ा क्या बोलूँगा भाई सी समझ लो आप सी के आप उससे ज़्यादा आप नहीं बोल सकता, लेकिन इससे बड़ा भाई और कोई नहीं होगा भाई। अभी ये सेम टू सेम पबजी और बीजीएमआई एक ही पेज पर रन कराएं तो भाई इनसे बड़ा कोई नहीं होगा। अब आप समझ रहे हो क्योंकि भाई आपको पता है एक बार फिर गेम बैन हो गया, दो बार गेम बैन हो गया, भाई तीसरी बार भी गेम बैन होते फिर गेम बैन होता जरा आप वही बार बार गलती करते जाओ, तो भाई इससे तो कोई बड़ा फायदा है नहीं। अगर भाई आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसमें भाई कम से कम भाई 15 लाइक कर देना, अगर 15 लाइक हो जाए तो भाई मैं इसके रिलेटिव भाई सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।